गजब की बात है, इन्वायरमेंट मंत्री यानी पर्यावरण मंत्री जो हैं उनके रंग में कोई फर्क नहीं आया। उनके घर पे छापा पड़ गया सीबीआई का, या कहिए कि पूछताछ के लिए 12-12 यूनिट में टीम पहुंच गई, लेकिन पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव एकदम साइकिल के रंग में। आप खुद देखिए, आपने देखा किस तरह लहराते हुए उनकी साइकिल चली आ रही है। वो पर्यावरण पर जो मंत्री बनाए गए हैं तो वो कंटिन्यूअसली लगातार अपनी इसी कोशिश में है कि हर कदम पर उनके पर्यावरण मंत्रालय की कम से कम मंत्रणा होती रहे और वो ज्यादा से ज्यादा मामले में साइकिल पर नजर आए, क्योंकि प्रदूषण फ्री, पॉल्यूशन फ्री वो चाहते हैं बनाना, चाहते हैं कि प्रकृति के करीब हो मामला और जो पेट्रोल वगैरह है इनका। लेकिन आप ये सोचिए, मामले की गंभीरता देखिए, जहां दूसरे सारे नेतागण आरजेडी के और लालू प्रसाद यादव के करीबी सब के सब धरना पे बैठ गए, इधर राजकुमार इधर लहराते हुए अपने साइकिल पर पहुंचे और गजब का पहुंचे। और पहुंचते ही उन्होंने वो साइकिल से लहराते हुए उन्होंने कहा कि हम तो भाई इसी से चलते हैं। वो कह ही रहे हैं, वो जब उनसे मिला जा रहा है तो उनका ये है। लेकिन आप सोचिए कि मामले की गंभीरता कितनी जबरदस्त थी, इतनी भयानक थी कि उनके घर पे छापा है, उनकी बहन, उनकी माँ, उनके पिता, इन सब लोगों के नाम पर IRCTC का पूरा जो मामला है, जिसमें जमीन के नौकरी के बदले जमीन का मामला है, ग्रेड डी की नौकरी में रेलवे में, उस मामले को लेकर पुलिस सीबीआई 12 टीम के साथ आई थी, मीडिया भरी हुई थी, वहां उनके लोग भरे हुए थे, पूछताछ चल रहा था। असल में छापा नहीं था, पूछताछ था, इसलिए पूछताछ कहा जाता है, क्योंकि पहले राबड़ी देवी खुद जाने वाली थी, लेकिन उनके सहूलियत के लिए सीबीआई का ये कहना है कि हमने ये काम किया है। लेकिन तेज प्रताप यादव अपने साइकिल के रंग में आए, चूंकि वो पर्यावरण मंत्री हैं और पर्यावरण पर ध्यान देना उनका फर्ज है, उसको निभाते हुए पहुंच गए। तो अब देखिए, ये राजनीति है, संकेत है, या नैतिकता है, क्या है, जो भी है, बहरहाल राजनीतिक सच्चाई तो यही है कि वो पर्यावरण मंत्री हैं और पर्यावरण का पूरी तरह से मतलब जो ख्याल करने का है कि व्यक्ति के तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर होता है, वो कर रहे हैं। तो अगर इस खबर में कोई भी दूसरी अपडेट आती है तो हम आपको जरूर बताएंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे इस प्रोग्राम को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, और अगर Facebook पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में जाकर पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव के इस कृत्य पर अपना बयान जरूर दें, अपनी राय जरूर दें। खबरों से बाखबर रहने के लिए बने रहिए कश न्यूज पर, हम आपके सामने खबरों की छड़ियां लगाते रहेंगे।